नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल मैं हूं नीरज कुमार कैथल आज का हमारा आपके लिए क्वेश्चन है कॉमन एब्डोमिनल इंसीजन फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी इज यदि किसी पर्सन में आपको गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई सर्जरी करनी है या फिर उसकी बॉडी से गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है तो निम्न में से कौन सा इंसीजन लगाएंगे ऑप्शन ए मैकबर्नेस ग्रिडॉन इंसीजन ऑप्शन बी कॉचर्स इंसीजन ऑप्शन सी पोफेंशियल इंसिजन या फिर ऑप्शन डी लेफ्ट पैरामीडियन इंसीजन काफी कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉल ब्लैडर हमारे बॉडी में बाइल को स्टोर करने का काम करता है बाइल का फॉर्मेशन लीवर के द्वारा किया जाता है सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कोचर्स इंसीजन आइए बात करते हैं कोचर्स इंसिजन की इट इज ऑल्सो नोन एज राइट सब कोस्टल इंसीजन इट इज अब्लिक इंसीजन मेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एबडोम क्लासिकली यूज इन टू द ओपन कॉलेसिस्टेक्टोमी कॉलेसिस्टेक्टोमी मीन्स गॉल ब्लैडर रिमूवल एंड ऑल्सो यूज इन द ऑपरेशन ऑफ लीवर गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट कॉचर्स इंसीजन को हम राइट सब कोस्टल इंसीजन के नाम से भी जानते हैं इसमें हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल के अंदर ऑप्लिक इंसीजन या चीरा लगाया जाता है क्वर्स इंसीजन का मुख्यतः इस्तेमाल कॉलेसिस्टेक्टोमी यानी गॉल ब्लैडर को शरीर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है गॉल ब्लैडर को बाहर निकालने का कारण उसमें स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है इट इज ऑल्सो यूज फॉर ऑपरेशन ऑफ लीवर गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट लीवर गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट से संबंधित ऑपरेशन में मुख्यतः कॉचर इंसीजन का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन में दिया हुआ जो मैकबर्नेस इंसीजन है उसे हम ग्रीडीरॉन्स इंसीजन के नाम से भी जानते हैं इट इज एन एबडोमिनल इंसीजन एम्प्लॉयड फॉर अपेंडेक्टोमी अपेंडेक्टोमी यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स अपेंडिक्स के रिमूवल के लिए जो टॉमी सर्जरी की जाती है उसमें मैकबर्नेस इंसीजन या क्रीडीडोन इंसीजन का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद पफेंशियल इंसीजन इसका इस्तेमाल मेड इमीडिएटली अबाउट द सिम्फाइसिस प्यूबिस इट इज यूज मोस्ट ऑफ इन गायनकोलॉजिकल प्रोसीजर्स लाइक सीजेरियन सेक्शन पफेंशियल इंसीजन सिंफाइसिस प्यूबिस के जस्ट ऊपर किया जाता है इसका इस्तेमाल गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स जैसे सिजेरियन सेक्शन आदि में करते हैं लास्ट बात करते हैं पैरामीडियन इंसीजन की पैरामीडियन इंसीजन को हम मिडलाइन लेप्रोटोमी के नाम से भी जानते हैं इट इज अ सर्जिकल इंसीजन स्पेशली ऑफ द एबडोमिनल वॉल क्लोज टू द मिडलाइन पैरामीडियन इंसीजन एब्डोमिनल वॉल के ऊपर परफॉर्म की जाती है क्लोज टू मिड लाइन ऑफ द बॉडी सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट